आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पंजाबी सिंगर व कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में गोरखपुर का कनेक्शन आया सामने। अम्बाला में पकड़ा गया शार्प शूटर शशांक पांडे है सिंघड़िया का रहने वाला। कुछ दिन पहले गोरखपुर में किया था पार्टी, जाँच में जुटी गोरखपुर पुलिस। मऊधर मंगल गांव में रविवार को हुई घटना में नामजद लक्ष्मण यादव को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी, कहा 2-3 दिन के अंदर सभी वांछित अभियुक्तों की होगी गिरफ्तारी। प्राथमिक विद्यालय परसिया ब्लॉक चरगावा की प्रधानाध्यापक वीड़ा यादव का वीडियो हुआ वायरल। बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने लिया संज्ञान, कहा जांच कराकर प्रधानाध्यापक के ऊपर की जाएगी कार्यवाही। नगर निगम के कर्मचारी शरीफ अहमद ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक किया नौकरी। दोबारा जन्मतिथि में सुधार के आवेदन पर संदेह के आधार पर दस्तावेज की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा वसूली की जाएगी धनराशि, जांच में दोषी पाए जाने पर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद में हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। जिला बाल संरक्षण समिति की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में हुआ संपन्न। बच्चों की सुरक्षा व पढ़ाई पर की गयी चर्चा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का नया बैच प्रारंभ होने पर जनपद के अधिकारियों द्वारा छात्रों का किया गया मार्गदर्शन। यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की दी गई पूरी जानकारी। रामगढ़ताल में चलने वाले क्रूज शिप व फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है क्रूज शिप, होगा पूरा एयर कंडीशन, पार्टी करने की भी रहेगी व्यवस्था। 4 महीनों में लोग रामगढ़ताल में ले सकेंगे क्रूज शिप का आनंद। जीडीए उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने दी जानकारी। फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित एक अभियुक्त शमीम अहमद को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संगोष्ठी का किया गया आयोजन। महाविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यापकों ने कारगिल में शहीद जवानों की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर डॉक्टर हर्ष कुमार ने कहा कारगिल संघर्ष के बाद भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का हुआ कायाकल्प। चंपा देवी पार्क के पास बनने वाले फूड पार्क का जीडीए ने डिजाइन किया फाइनल। पार्क में शामिल होंगी 95 दुकानें। सभी दुकानों पर देश विदेश के व्यंजन रहेंगे उपलब्ध, जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी। जन सुनवाई में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ सुनी समस्याएं। नगर आयुक्त ने कहा उचित गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण। कारगिल के घोड़ा घाटी में शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर मैथिली व भारत नेपाल मैत्री समाज और वीर सेनानी कल्याण संस्थान ने संयुक्त रूप से मनाया कारगिल विजय दिवस। लड़ाई में शहीद हुए सेना के जवानों को किया याद, दी श्रद्धांजलि। और मोहद्दीपुर चार फाटक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जीरोद्वार समिति ने निकाली सावन के पवित्र माह में महिलाओं की 111 कलश यात्रा, स्थापित की गई भगवान हनुमान जी की मूर्ति।